यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने यूपी की जनता को बड़े बड़े सपने तो दिखाए और काफी सारी योजनाओं का भी गुणगान किया, पर लेकिन गाजियाबाद में अखिलेश की कुछ योजनाएं दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहां अखिलेश ने साइकिल ट्रैक बनवाए जिस पर मोटी रकम भी खर्च की गई, लेकिन कुछ ट्रैक अब ऐसे हैं जिनकी हालत बेधड़क खस्ता हो चुकी है, जिस वजह से ट्रैकों में साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बच्चे जान जोखिम में डालकर मेन रोड पर साइकिल चलाने को मजबूर है। इतना ही नहीं, लोगों ने ट्रैक के रास्तों पर अपने निजी वाहन भी लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ट्रैकों का रास्ता बंद पड़ा है। इस बारे में जब हमने डीएम से जवाब मांगा तो हमेशा की तरह उन्होंने जांच कराने का आश्वासन दे डाला। चलना तो सही है, पर इसमें बहुत सुविधाएं हो रही हैं कि जैसे कि कुछ लोग कार खड़ी करते हैं, कुछ थैली खड़ी करते हैं, कुछ अपने जो बोर्ड लगा देते हैं और कुछ लोग जो वैसे कूड़ा वगैरह भी डाल देते हैं। तो इसमें ज़्यादा हमें इसलिए मेन रोड पर चलना है, मेन रोड में बहुत खतरा रहता है गाड़ी वगैरह का, सब चीज़ों का। इसमें ये संज्ञान में आया है कि जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है, तो इसमें GDA को लिखा भी गया है ताकि वो चिन्हित कर लें किन किन लोकेशंस पे हुआ है और किनके द्वारा किया गया है, और उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा और जैसा भी नियम है उसके हिसाब से, और यदि वो नहीं मानेंगे तो विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। खबर यूपी की चंदौली।